अरे शगुनन, कितनी देर कर दी आने। ये बताओ तुम्हें गाड़ी मिली क्या? मुझे अचानक की जीप नहीं मिली, इसीलिए अब हमें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। क्यों? किसी ने राजीव गांधी की हत्या कर दी, शहर में माहौल बहुत खराब है। राजीव गांधी की हत्या? हाँ। अरे शगुनन, हमें हर हाल में सरस्वती को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। चुप क्यों खड़े, कुछ बोलो। हम इस वक्त हॉस्पिटल नहीं जा सकते भाई साहब, मैंने शांकुनी एडन को खबर कर दी है, वो जल्द ही लक्ष्मी अम्मा के साथ पहुंचेगा। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो, ये 1930s का जमाना नहीं है, हॉस्पिटल ले जाना होगा उसे। हर हाल में ले जाना होगा, ये जरूरी है। क्या उसे हॉस्पिटल ले जाना ही है? तब तक एक काम करिए, यहाँ से मार्केट जाइए और जल्दी से वापस आइए। इस बीच में एक काम करता हूँ, यहाँ पर टहल लेता हूँ। मजाक कर रहे हो मुझसे? ये सच है भाई साहब कि अपनी बिना शहर के अस्पताल में ही हुई थी, पर अब प्रसव पीड़ा जल्दी आ गई ना, इसलिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये राजीव गांधी को क्यों मारा? शगुनन, हाँ? अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी बहन यहीं पैदा हुए थे ना, कुछ नहीं होगा, मन को शांत रखो। कोशिश करो, पैर ऊपर उठाओ। अरे थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करो, मेरा हाथ छोड़ो। अरे बच्चे को बाहर आने दो, आराम से कोशिश करो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कैसे भी हिम्मत रखो और कोशिश करो। बहुत दर्द हो रहा है, कोशिश करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल ले चलो, और जोर लगाओ, कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की, तुम बस शांति रखो। हाँ जोर लगाओ, हाँ ऐसे ही। कैसी है वो? बच्चा रो नहीं रहा है। शगुनन, दरवाजा बंद करो, इधर किसी को आने मत देना, बाहर जाने को कहो। क्या हो रहा है? लक्ष्मी कोशिश कर रही है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। वो बच्चा? बच्चा वो नहीं रहा।
साहब। पिकासो के बाद यही एक बच्चा जन्मा जिसने दुनिया में आकर अपनी पहली सांस से पहले सिगरेट का धुआं टेस्ट किया। आज तो बॉब मार्ले और रस्पुतिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेक्रेटरी, क्या पार्टी में फेर बदल करना पड़ेगा? ए नारायण, तिल को तेल बनाने के लिए सुखाया जाता है, लेकिन चूहे के पोटी को सुखाने से क्या फायदा? मालिक। अरे, ये बच्चों को ले जाने वाला है क्या? मालिक, कुछ खाने को दे दो। कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। सुना नहीं, जाओ यहाँ से। एक मिनट, मैं पापा को बुला के लाता हूँ। हाँ ठीक है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? पापा, पापा। देखो कौन है। बाहर कोई आया है। कौन है? एक अंकल है। जाओ अंकल, जाकर जल्दी आना। कौन से अंकल आ गए? साहब, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ दो ना। चलो ये दे देते उन्हें। ये लो साहब, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। और कुछ नहीं, अब जाओ। अरे साहब, भूख लगी है। अरे बोला ना, जाओ। सुन, अगर ऐसा कोई कभी दोबारा आता ना, तुम्हारा रखी एस्ट्रे में से उसे पैसे दे देना। कौन सी? अरे टेबल के ऊपर जो एस्ट्रे है उसमें चिल्लर रखे हुए हैं। अच्छा, उसमें से दे देना। हाँ। और तू यहाँ बैठकर सिगरेट फूंक रहा है। हाँ। खाना खा लिया क्या तूने? हाँ ठीक है ठीक है, डकार मत ले अब। ए, मुझे दे। क्या तुम्हारे घर में भी पैसे एश्रे में रखते हैं? नहीं। तो कहाँ रखते हैं? रामायण के अंदर। रामायण के अंदर? हाँ। अब अगली बारी तेरी है ना? मेरी नहीं है, विनेश की है। पीले, ऐसी को नहीं बताएंगे। पीले ना, पीले। अंकल, विनी सिगरेट पी रहा है। रुक, बताता हूँ तुझे। रुक, एक गधे। विनीश, इधर आओ। कभी किसी को ऐसा नहीं बोलते हैं, केवल गंदे बच्चे ही ऐसा बोलते हैं। यदि तुम्हें बुलाना ही है तो श्वाना कह के बुला सकते हो। श्वाना? श्वाना? ये तो अच्छा नाम है। सुपर। मिठाई खाओगे? हाँ, हाँ। इसका एक पैकेट सिगरेट लेके आओ, और उसमें से जो पैसे बचेंगे उनमें से अपने लिए अच्छी सी मिठाई ले लेना। अगर वो मिठाई ना दे तो मेरा नाम ले लेना, ठीक है? जाओ जाओ। तुम यहीं पर रुको। हा? चलो गोली खेलते हैं। गोली क्या होती अगर है? अगर तुम लोग एक साथ गए तो जल्दी नहीं आओगे ना। अंकल, एक पैकेट सिगरेट और बाकी की टॉफी दे दो। अंकल, एक पैकेट सिगरेट और बाकी पैसे वापस दो। ये ले, चल। और क्या चाहिए तुझे? एक पैकेट सिगरेट, बाकी के मंच। अंकल, एक पैकेट सिगरेट और बाकी की टॉफी दे दो। अंकल, एक पैकेट सिगरेट और बाकी का वापस दे दो। अब कुछ नहीं आएगा, सिगरेट के दाम बढ़ गए हैं। अबे विनीश, अपने सफर ने भी स्मोकिंग करनी शुरू कर दी है क्या? कौन सफर? अबे और कितने सफर हैं यार, अबे अपना सफर। अरे नहीं यार, तू ऐसे झूठ बोलना बंद कर। अबे झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं सच कह रहा हूँ।
अबे बीड़ी हो या सिगरेट वो कुछ भी नहीं छोड़ता है। हाँ, अबे तेरे पापा के फ्रेंड है ना वो मधु जी, अबे हाँ। वो मधु जी के घर के पीछे जाके स्मोकिंग करता है, पता है तुझे? मिस्टर स्वानन, अदालत में साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। मेरे पास सबूत है माय लॉर्ड। क्या? लिबास और सुसीज। ओह माय गॉड। यार एक प्रॉब्लम हो गई यार, मैं अपने घर से पैसे नहीं ले सकता अब। अच्छा तो देख लेंगे। मम्मी मैंने पैसे ले लिए। हाँ क्या तूने अपने पापा से पूछा पैसे लेने से पहले? क्या नहीं, मैं उनसे पूछने वाला था लेकिन वो मुझे दिखे ही नहीं, उनको तुम बता देना। अरे तो मैं किचन में थी, मुझसे तो पूछ सकता था ना। अरे आप किचन में थी? अच्छा अच्छा एक बात बता, तुझे इन पैसों की क्या जरूरत है? वो क्या है कि मेरे क्लास फ्रेंड सुसीज की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए हमारे टीचर ने हमसे कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए कहा है। तो उसे क्या तकलीफ है बेटा? बवासीर। एक लड़की मुझसे प्यार करती है। अच्छा तुझसे? ये सब वो आ गया। अच्छा अच्छा अंकल जी। अच्छा एक पैकेट बीड़ी। अरे बीड़ी नहीं अंकल, दो सिगरेट। चुप रहो यार, दो नहीं तीन मांग। वैसे चाचा ने मुझे दो लाने को कहा था लेकिन तीन भी चल जाएगा, अपने आप पी लेंगे। अच्छा तेरे चाचा ने सिगरेट पीना कम क्यों कर दिया? क्या है कि चाचा को जरा खांसी हुई है ना, इसलिए शायद सिगरेट का परहेज कर रहे हैं। तब तो अच्छा है। ये लो। ठीक है अंकल। चल 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 चल। चुपचाप से आ जाओ आ जाओ। अरे आवाज मत करो, आराम से दरवाजा बंद करो बंद करो। बताओ कैसी है जगह? यहाँ पर कभी कोई नहीं आता है ना? नहीं तो मस्त है ना। अच्छा सिगरेट निकाल, सिगरेट निकाल जल्दी। अरे यार माचिस लाना ही भूल गया मैं तो। अरे यार अब क्या करें? ओए पुअर पुलिनाड बच्चों, ये सफर का अड्डा है एकदम सॉलिड। ढेंटड़े पता नहीं क्या कह रहा है। ये रही माचिस। अरे गजब। चलो चल निकाल निकाल। ये ले। तो देखो हम बिना परेशानी उठाए साइकिल और स्विमिंग नहीं सीख सकते, ठीक वैसे ही पहला कश लगाने से खांसी होती है। ओके सी नाउ। चलो कैसे करना है? हाँ। देखो ऐसे। ऐसे पीनी होती है। चलो तुमार तुमार तुमार। चल चल खत्म कर इसको, चल अभी। चल ना मार ना जल्दी। तू पी अभी तू पी। चल 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 फिनिश। चल ला दे मुझे भी करने दे। अरे ला दी ना यार, तुमसे क्या कर रहा है? क्या चीज़ है? हाँ पी पी। हाँ पी। अबे तू और बाहर निकाल। मत पी मैं बोल रहा हूँ। बाहर निकालना है। मुझे जरा सिगरेट चेक करना यार, और एक कश कौन है वहां? अलग तो नहीं है। चल 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 निकल निकल चल चल अब निकल। आजा 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 भाग 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 आजा। अरे यहां से जल्दी जल्दी चल। अबे यार चल ना यार यार जल्दी कर। अबे चल यार चल 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 निकल चल चल भाग जल्दी। अरे अरे उसके बाद हमने चाचा के नाम पर लगातार सिगरेट खरीदना शुरू किया। सबसे पहले हमने तीन सिगरेट्स ले ली, फिर वो बढ़ने लगी और उसके बाद तो हमने गिनना ही छोड़ दिया। तुम यहां पर नहीं, बाहर जाके स्मोक करना। हाँ ठीक है चाचा जी। हाँ
ये अंदर कैसी स्मेल आ रही है? अरे वो अंकल ने सिगरेट पीकर फेंकी है। हाँ? रुक जा, पासा। अरे मैंने नहीं पी, चलता हूँ। Five, six, next. चलो क्लास में चलते हैं, देर हो गई है, क्लास में चलते हैं। मॉर्निंग सर। टीचर फिर से डांट। शनावत सर। हाँ। बाची से क्या? बाथरूम में चेक कर ले। ठीक है। तीन चुड़ैल और ये सफर अकेला। ध्यान से सुनो, ये सफर एकदम अकेला, लेकिन फिर भी ये सफर डरा नहीं। तू मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? मैं अकेले रास्ते से चलकर आ रहा था, पता है चुड़ैलों पर हमारी एक नहीं चलती, लेकिन मैंने वो मंत्र यूज किया जो मैंने अपने दादाजी से सीखा था। मैं तुमको बोल के सुनाता हूँ, वहन सिल्ला, ऐसा कुछ मंत्र है। अबे मुंह बंद करना यार, क्या फालतू की फेंक रहा है? अरे यार मैं फेंक नहीं रहा हूँ। फेंक रहा है, हमें पता है तू फेंक रहा है। स्वाना मुंह बंद करा। फेंकने लग गया दोबारा, फेंकने लग गया दोबारा। आज के बाद मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। सर नोटिस। सर सर पियोन काका क्लास के बाहर वेट कर रहे हैं। अरे यार ये कैसा शो ऑफ दिखा रहा है। हाँ चुप रहे। ए, वो किताब कैसी है? अरे वही तो है जो तेरे पास है। सर इसे पढ़ो ना। स्टूडेंट्स, द रिसेंट अनयूजुअल नोट फ्रॉम आर प्रिंसिपल। हमारे स्कूल परिसर में खास करके जेंट्स टॉयलेट के आसपास सिगरेट के बहुत सारे टुकड़े पाए गए हैं, जिसके पीछे कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ या फिर कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। अगर ये आपने या आपके किसी दोस्त ने किया है तो इस बारे में प्लीज अपने अपने क्लास टीचर्स को बताएं। ओके प्लीज ये सब दोबारा मत करना। अगर ऐसा करते हुए किसी को नोटिस किया गया तो द स्कूल मैनेजमेंट विल मेक श्योर दैट एवरीवन बिहाइंड दिस विल सफर। Everyone behind this will suffer. 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 Sir. Suffer. अरे क्या कर रहा है तू? Suffer. Sir, मेरे साथ बिनिश भी था तब। तूने मेरा नाम क्यों लिया यार? मैं अकेला सजा नहीं पाना चाहता था। तू अपने सीट से उठाई क्यों? तूने सुना नहीं उन्होंने मेरा नाम पुकारा? तेरा नाम पुकारा? कब पुकारा? उन्होंने कहा विल सफर। अबे उसने तेरा नाम नहीं बोला। भाई मैं इतना इंग्लिश नहीं जानता। देखा वो बेवकूफ हम पर हंस रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। सर अंदर आओ। सर हमारे लिए जो माचिस लेकर आता था वो स्वाना है सर। बड़े हो जाओ, अब चलो बाहर जाओ। देखा ना इसकी हंसी हम लोगों ने गायब भी कर दी, अब देखते हैं कैसे हंसता है हम पर। मजा आएगा, बहुत अच्छा किया। अरे यार तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? इम्पोजिशन नहीं लिखा सर, इन्होंने सिगरेट पी है सर। क्लास में जाने के लिए पहले पेरेंट्स को लाना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सफर और स्वाना ने तो हम कल से स्कूल ही नहीं आएंगे। अरे यार यहां तो मेरी परेशानी समझने वाला कोई नहीं है। नहीं नहीं ऐसा किसने कहा? चाचा चलो एक सिगरेट पीने के बाद बताता हूं। आ, 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 आ,
मैं शुरू करूं? हाँ हाँ सर ठीक है जी। रात अंधेरी है हम भी अकेले हैं। ये क्या कर रहा है? चोरी करने आया है। ए चोर, ए चोर, ए चोर, चोर, ए तुझे आ? ए, आवाज मत करो, मिनिस को पुलिस उठा कर ले गई। क्या हुआ, कौन है? उलीनाथ का इतिहास बदलने वाले को देखने के लिए हमारे आस पड़ोस के लोग आधी रात के वक्त भी आ गए। बस इतना ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली भी। तुम पूछो, औरत का मामला है? औरत का मामला? अरे नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं कौन जानता है। अरे बोलो ना, क्या रहेगा उसमें? मर्द का मामला है, मर्द का। अरे सच बताओ ना। अरे जा रहा है। ओ गलत लड़का नहीं है ये, उसका पिता है। मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, इसलिए सर मैंने फोन नहीं किया और यहाँ पर चलाया सर। ए, ये कोई बड़ा केस नहीं है रे, अपने रावत और थॉमस ने उसको गलती से पकड़ा, इसलिए मैंने खुद ही छोड़ दिया। लेकर जाओ उसे। लेकिन आधी रात को बिनिश बाहर क्या करने गया था? उसी से पूछ लो ना। बताओ तुम बाहर क्यों गए थे? ए घबरनो को, सच सच बताओ, झूठ मत बोलना, पेशाब करने गया था। इन्हें भी वही बताना जो हमें बताया। बताओ क्यों गए थे बाहर? मैं सिगरेट पीने के लिए गया था। क्या? मैं बाहर सिगरेट पीने के लिए गया था। इधर आओ, जाओ जा रहे। ठीक है सर, चलता हूँ। चलो घर चलते हैं। नमस्ते। चलो। ओके सर। उस रात के बाद पुलीनाथ में दो बड़े बदलाव हुए। पहला बदलाव, मुझे पुलीनाथ में कहीं भी सिगरेट पीने का लाइसेंस मिल चुका था। और दूसरा, इस रात के कांड की वजह से बाद में पुलीनाथ के लोगों ने मेरा एक अच्छा सा नाम रख दिया। टीवंडी। कन्ना, नहाने के लिए आ जाओ। मम्मी थोड़ा खेलने दो ना। मैं यहाँ आने के लिए कह रही हूँ ना? हाँ मैं आता हूँ, आता हूँ। विनीश, अरे विनीश, मम्मी कपड़े धोने जा रही है, तुम्हारे कुछ गंदे हैं तो ले आओ। इना, क्या हुआ? मुझे गरम चाय दो ना। ये चाय ही तो है। ये तो ठंडी हो गई ना। हमेशा चाय चाय। मम्मी क्या हुआ, इन्हें भी धो देना। तुम इन्हें खुद ही क्यों नहीं धो लेती? ये विजित के नहीं है, विनीश के हैं। अच्छा, वो हमेशा शिकायत करता रहता है कि जब मैं कपड़े धोती हूँ तो साफ नहीं होते। फिर से वो शिकायत करेगा, इससे अच्छा कि तुम्हें धो दो। भले ही मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सरस्वती दीदी। हाँ हाँ वही है। हाँ। अरे सुधा।
कितना समय हो गया तुम्हें मिले हुए? जब से तुमने घर शिफ्ट किया है कम ही आना होता है यहाँ। कैसी हो? अच्छी हूँ। क्या है, इस रास्ते से कम गुजरना होता है ना। आज एमएलए बालचंद्रन से मिलने गई थी। किस लिए? मेरा पोता 2 साल का हो गया है ना, उसका LKG में एडमिशन कराना है इसीलिए। अच्छा अच्छा। वैसे तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं, ये भी एक भाग्य की बात है। अच्छा एक बात बताइए, विनीश और बिना कैसे हैं? हाँ, विनीश बीएड करके PSC की तैयारी कर रहा है, इसलिए अभी फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा। अब वो धीरे धीरे हर चीज में अपना रुझाव छोड़ रहा है। अब वो विजित के साथ राजनीति में शामिल होने के लिए घूमता रहता है। मम्मी चाय, मम्मी चाय लाओ। मम्मी कपड़े धो रही है, तुम्हें चाय चाहिए तो यहाँ आओ। ओ दीदी। हाँ? क्या तुमने मेरी कमीज ली? उसे मम्मी धो रही है। धो रही है? अरे बाप रे। ये विनीश है ना? हाँ, विनीश है। अरे बेटा क्या देख रहा है तू वहाँ पर? वो मेरी बाइक की चाबी। अरे बेटा मुझे नहीं पहचाना तूने? तुझे पैदा होने के बाद जिसने सबसे पहले तुझे गोद में लिया था वो मैं ही हूँ। अरे वाह क्या बात है, मुझे तो अभी भी याद है। कोई अपने पैदा होने का दिन भूल सकता है क्या? मेरे पैदा होने की खुशी में आप एक केक भी लाई थी और आपने अपनी फूलों की डिजाइन वाली चमकदार साड़ी भी पहनी थी और हैप्पी बर्थडे पार्टी मनाई। मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। हाँ वो भी क्या दिन था। आजकल के लोगों को वो दिन याद भी होगा क्या, है ना मम्मी? अब मैं जाऊँ आंटी, सिगरेट का पैकेट कहाँ रखा है वो याद नहीं आ रहा है। अब मैं चलती हूँ सरस्वती दीदी, मेरे पति इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। हम किस विषय पे बात करने वाले? इतने बेकार बजट के बारे में। हाँ, हाँ, हाँ। मैडम वित्त मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ही विवेक से बिना किसी सलाह मशवरे के बजट पेश कर दिया, जबकि रोजमर्रा की जरूरतों वाली चीजें जैसे चावल और दाल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैडम ये सब मामला आपको हमारे MLA को बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हेलो BSCL पार्टी ऑफिस। हाँ विशाखा बालन बोल रहा हूँ, वहाँ क्या चल रहा है? वो क्या है, हमने अभी अभी बैठक शुरू की। आप कहाँ हैं सर? 5 मिनट में पहुँच जाऊंगा। अच्छा सुनो। हाँ? कहीं कोई सुन ना ले, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जवाब बिल्कुल मत देना। हाँ। तुम बस यस हाँ। या नो में जवाब देना। यस तो महेंद्र मोदी, और नो होगा तो रोहन गांधी। हाँ। क्या तुम लोग बजट के बारे में बात कर रहे थे? मोदी क्या वो इसका समर्थन कर रहे हैं? रोहन गांधी क्या मधु और विजित एक दूसरे के विरोध नहीं कर रहे हैं? रोहन गांधी। मुझे दिल्ली से फोन आया था। हमें इस बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सहानुभूति मिली है। सच में? इसलिए सभी बजट का समर्थन करेंगे मोदी। अच्छा सुनो एक खुशखबरी है। क्या? वो जो फंड पास होने वाला था वो फंड पास हो गया। अच्छा, हमें इस फंड के बारे में और कोई बताना होगा ना। रोहन गांधी रोहन गांधी। तो वो पैसा अपना होगा। हाँ, महेंद्र मोदी। ओके ओके मैं जल्दी पहुँच जाऊंगा। ओके मिलते हैं। सेक्रेटरी जी उन्होंने फोन पर क्या कहा? पॉलिटिक्स, दिल्ली पॉलिटिक्स और क्या? अब वैसे हम किस बारे में बात कर रहे थे? बजट बजट। हाँ बजट। हमारी BSCL पार्टी सिर्फ इन छोटे मसलों पर जैसे ये नहीं है वो नहीं है, ये कम है वो कम है, इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आपने इन मसलों को उस प्रकार से देखा जिस प्रकार से तुम अपनी मामूली चीजों का अवलोकन करते हो। उदाहरण के लिए अगर मैं इन चीजों को लूं तो विमान बनाने के लिए उपयोग होने वाला एल्युमिनियम फॉइल, इस मेज पर लगा छोटा सा कील, ये फोन की वायर, 5-स्टार होटल में इस्तेमाल होने वाला टिश्यू पेपर और ऐसे कई चीजें हैं जिस पर कि आप ध्यान नहीं दे। मुझे आते देख के तुमने फेंक दिया। गुड बॉय। अरे क्या कर रहे हो? अरे फेंकी नहीं थी, मेरे हाथ से गिर गई थी। अच्छा नमस्कार, लेट से आने के लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा।
आप सब लोग अच्छे हैं ना? सर प्लीज बैठिए। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप लोग बैठिए। दोस्तों आज से BSCL का हर मेंबर बहुत खुश होगा और बहुत ही गर्व महसूस करेगा। पुलिनाद की शक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने हमें एक बहुत ही सुनहरा अवसर दिया है। बंगाल जैसे, गुजरात जैसे, कश्मीर जैसे राज्यों की मांगों को दबाने के बाद भी हमें उन्होंने एक मौका दिया है। इसके लिए मैं पुलिनाद के हमारे BSCL पार्टी के जागरूक सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि ये खबर उन बाकी राज्यों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो हमारे ऑफर के लिए लाखों खर्च करने को तैयार है। और ये ऑफर क्या है आप लोगों को पता है? चलिए मैं बताता हूँ, सुनिए। अगले महीने की 19 तारीख को हमारे पुलिनाद के बीच पर हम सभी एक श्रृंखला से बंध जाएंगे। इंसानों की श्रृंखला से। और सर बजट के बारे में तुमने इस बारे में चर्चा नहीं की क्या? क्या मधु जी, हमने चर्चा तो की है, सब इसके समर्थन में भी है। मुझे लगता है कि इस बजट में रोजमर्रा की जरूरतों के सामान को नजरअंदाज नहीं किया गया है, मुझे पूरा विश्वास है। तो बताइए और कुछ छूट रहा है क्या सेक्रेटरी? सिगरेट, सिगरेट। मुझे आपत्ति है कि सिगरेट के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं? इस बजट में इसके बारे में तो कुछ भी नहीं, और इस बजट में नहीं, हर बार के बजट में ऐसा ही होता है। इसके अलावा सामान बनाने वाले अपनी तरफ से हर बार दाम बढ़ाने में लगे हुए हैं, और यहाँ हमारी वकालत करने वाला भी कोई नहीं है। आज एक सिगरेट की जो कीमत है उतने में मैं कुछ साल पहले पूरी की पूरी पैकेट ही खरीद लेता था, और वो भी कैश के साथ। पुलिनाद में किसी भी दुकान पर सिगरेट उधारी में नहीं मिलती है, वहाँ क्या जगह है। और तो और सिगरेट के पैकेट पर कैंसर कॉजेज स्मोकिंग लिखे होने के साथ साथ इतनी बड़ी फोटो भी लगवा दी। अरे यार, समंदर से निकलने वाली डेड बॉडी भी उससे ज्यादा डिसेंट होती है। और इतना ही नहीं, जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां भी इसका एक लंबा चौड़ा ऐड आ जाता है। हालत खराब है, जब भी मैं ये देखता हूँ मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, और फिर उसी समय मुझे सिगरेट पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्या हम सिगरेट पीने वाले भारतीय नागरिक नहीं है क्या? या हमें कहीं से बाहर से उठा कर लाया गया है? अरे तिवंडी, विजय तुम ये बात याद रखना, तुम्हारा पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ये जो लड़का है ना खत्म कर देगा। अरे मधु भाई, चलो चलते हैं। ओके चलो निकलता हूँ मैडम। हाँ मिलते हैं, बाय बाय। मुझे मारने दे, ये देख। हाँ देख रहा हूँ मैं। टिकेट, किसी को टिकेट चाहिए क्या? टिकेट आंटी। बेटी देवी, तुम यही काम करती हो? हाँ, यही पास में विलेज में ऑफिस है मेरा। अरे बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिनेश और बीना ने मुझे बताया है तुम कोई काम करने जाती हो। विनीश। ओह बिनीश, अगर मैं उसे भेजूंगी तो आधा पैसा कमीशन के तौर पे वो खुद ही रख लेगा। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ आराम मिले। ए तिवंडी, चल खेलने चलते। हाँ हाँ, थोड़ी देर में आते हैं, तुम लोग स्टार्ट करो। ओके मैं जा रहा हूँ, तू आ जाना, ठीक है? बहुत बढ़िया मौसम है आज, खेलने बहुत मजा आएगा, ठीक है? हाँ, हाँ, बहुत समय हो गया। कहाँ हो? यहीं हूँ। अब तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या हो गया मेरी हेल्थ को? हाँ, तुम लोग हमेशा कैरम खेलते रहते हो। हंसो और हंसो। तुम अब भी स्मोक करते हो? इसको बस यही करना आता ही है। ए, सिगरेट फूंकना बंद कर, चल बाहर खेलते हैं। ठीक है, चलो। निशाना लग गया। तो मुझे क्या हुआ? एक हफ्ते के लिए कहाँ गए थे? एडिसन आइसलैंड। क्या तुम वहां कभी गए हो? नहीं। एक बार जाकर आओ। नहीं मुझे नहीं जाना है, वहां वो पागलों की टीम है ना, राजपुटिन और बॉब मार्ले। जाकर आओ। अरे भाई वो पागल नहीं है, वो पागल नहीं है। अरे कोई दूसरी सिगरेट है क्या? नहीं है। ये बॉल मेरी बस पे। डालो बॉल मेरे को, बॉल मेरे को। बंडी आ गया, बंडी। अरे दस बंडी। बॉल कीपर चेंज। क्या रे, उस पार्टी ऑफिस में तूने क्या तमाशा किया? वो सब छोड़ रे सफर, मन में जो भी आया वो बक दिया, लेकिन मुझे जवाब देना पड़ा। जवाब देने के लिए तू कौन है? मैं कौन हूँ? हाँ तू कौन है?
मैं वही हूँ जिसने वो प्रॉब्लम सॉल्व की। तूने ऐसा क्या किया है वहाँ पर? कैसी बात कर रहा है? भूल गया सब? हाँ तो क्या कर लेगा? मैंने सब बंद कर दिया था। अरे सुन, सफर ने अब पुलिनाड में हर किसी को बांटना बंद कर दिया है, समझा? अबे सफर, तू मेरी एक बात सुन। अगर तूने सच बता दिया ना तो सारा मामला अपने आप सलट सकता है, समझा ना तू? अबे जा अबे। हाँ चल, ऐसी लात मारूंगा ना, अभी जा। अरे वो सब छोड़ दो, सुन मधु अंकल तेरे बारे में पूछ रहे थे, बहुत गुस्से में थे। अरे हम यहाँ कोई और बात कर रहे हैं, जाना यार। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? हाँ सही तो कह रहा है वो। हाँ। तुझे ये सब सॉल्व करने की क्या जरूरत है? कौन तू उनकी बेटी से शादी करने वाला है? हाँ बोल। क्यों है ना? चल जा। बोलो बोलो। बेटी के लिए शादी का रिश्ता आया है। तो क्या कहा उसने? उसने तो ओके कहा। और तुम्हें कैसा लगा? मुझे भी सही लगा। ये रिश्ता कौन लेकर आया? वो खुद ही। लड़के का नाम? बिनेश। बिनेश? कहाँ का है वो? अपने दामोदर जी का लड़का। वो तिमंडी? क्या इरादा है? क्या इरादा है? मैं कुछ समझा नहीं। तू देवी से शादी करना चाहता है? मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बेटी से शादी करना चाहता है? भाई क्या हो गया? विजय खिचड़ी और देना। क्या कर रहे हो तुम? चलो अच्छे से खाना खाओ, जाओ जाकर अपना मुंह साफ कर लो। सुनो, बिस्तर से ही मुंह साफ मत कर लेना, और हाँ ब्रश करना मत भूलना। तू आज मधु से मिला था क्या ग्राउंड में? हाँ। किस लिए? शादी की बात करनी। किसकी? विजय वो कर ही देना। शादी की बात? किसकी शादी? उसकी बेटी की। वो अपनी बेटी की शादी के बाद तुझसे क्यों करेगा? आज शाम को उसकी बेटी से मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे नहीं पता, उसने पूछा कि क्या मैं उसकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? तो क्या मैंने साफ साफ मना कर दिया उसको? तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा ना विजय? कुछ नहीं है। चलो गुड नाइट। सुनो सुनो, अचार अभी तक नहीं मिला मुझे। यहाँ सीरियस बात पे चर्चा हो रही है और आपको अचार की पड़ी है? घर का विचार करो, अचार खाएंगे। हे, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कौन है? मैंने कहा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कौन है? तुम्हारी माँ। जल्दी आओ यहाँ पर। क्या? अरे जरा इधर उधर देखो। कहाँ पर? यहाँ रेलिंग की तरफ, रेलिंग पर। जल्दी करो। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुमने मेरे पापा से क्या कहा? शांत रहो। तुमने मेरे पापा से क्या कहा, जल्दी बताओ। मुझे बताता हूँ, बताता हूँ। क्या हुआ है? मैंने तो उनसे हाँ कर दिया था और वो भी इस बात से खुश थे, तो अब क्या हुआ? देखो, मैं तुम्हारे फेस पर एसिड फेंक दूंगी, सच सच बताओ मुझे। सच कहूं तो मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि तुम्हारे पापा गुस्से में थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उनसे मिलूंगा और उनसे मिलकर सब कुछ सच बता दूंगा, ओके ना? वादा करो। हाँ वादा। कब करोगे? अरे कब का मतलब, मैं बता दूंगा ना, अब तुम जाओ। क्या कहा? चलो जाओ। अरे लेकिन कहाँ, हमने बात तो कर ली है ना, अब तुम जाओ। गुड नाइट। ए, मैंने कहा ना नीचे आओ। ओके मैं आ रहा हूँ। हाँ आओ, जरा हाथ देना।
संभल के आराम से आराम से। हेलो नमस्कार। बताओ तुम यहाँ रोज आती हो क्या? नहीं ये फर्स्ट टाइम है। अरे सुनो सुनो यहाँ आओ आओ। आज रात को यही रुकोगी या घर जाने वाली हो? नहीं जा रही हूँ। ठीक है। अरे रे अब दरअसल मेरी समझ में कुछ नहीं आया इसलिए चली आई। अरे विनेश जा इसे इसके घर तक छोड़ के आओ। अरे नहीं 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 उसे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अकेली आई थी अकेली जाएगी। नहीं 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 उसे छोड़कर आने दो। स्मोकिंग करना छोड़ दो। क्या कहा? मैंने कहा तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। कब से? अभी से। ओके ठीक है मैं छोड़ दूंगा। सच में? अगर तुमने दोबारा किया तो? अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे गाल पर थप्पड़ मार सकती हो। तो ऐसा ही करूंगी मैं। अरे कोई बात नहीं। ये देख। अरे यार क्या हुआ भाई? क्या हुआ? हम यहाँ किस लिए आए हैं? वो चेन देने के लिए आए हैं ना। लाना भूल गया क्या? अच्छा है अब क्या करेगा? कुछ नहीं जो हमेशा करते हैं। कोई कहानी बनाएगा? ठीक है बना। हाँ तो और क्या। अच्छा सुन कोई ऐसा रिवाज है क्या? हाँ क्या? हाँ तूने कहा क्या है यार? अगर तुझे कोई डाउट है तो सही से पूछ ना। देख चेन तो दूल्हे की फैमिली लाती है ना जो कि दुल्हन के परिवार को दी जाती है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस तरह का कोई रिवाज होता है क्या? नहीं यार ये बात तू मुझे बता रहा है लेकिन अगर उसकी जात बिरादरी में ऐसा कोई रिवाज हुआ तो? यार जात बिरादरी की बात मत कर। रहने दे रहने दे हम अपने तक ही रहते हैं। ओके ठीक है समझ गया। पापा पापा देवी खाओगी? हेलो अरे खाओ ना मधु जी। अच्छा है मधु जी नहीं पापा बोलो। हाँ पापा जी। हाँ ठीक है मैं इसको शाम को घर ले आऊंगा। हाँ फिर सब लोग देख सकते हैं। ओके ठीक है पापा जी। ये लो। क्या तुम वो चेन लाना भूल गए? मैं वो चैन लेकर आ गया। ओ अंदर आओ। सरला। हाँ क्या है? आओ। विनीश बेटी देवी। हाँ बाहर आओ देखो कौन आया है। लाए हो ना चैन? लाए हो ना बेटा? हाँ निकलता हूँ। आज भी भूल गए क्या? नहीं नहीं हाँ
ये रही, ये लीजिए। अरे कहाँ गए, क्या हुआ? चैन को सिगरेट का पैकेट में लेकर आया तो कोई दिक्कत है क्या? अगर इसे और कहीं रखता तो मैं भूल जाता और फिर बड़ी दिक्कत हो जाती। देवी हाथ मत लगाओ मुझे। अरे, अब... ये कोई तरीका है मेरी चेन लाने का? हाँ लेकिन तुम खुद बोलो कोई इसे ऐसे लाता है क्या? मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि मुझे ये याद रहे। तुम्हारी याददाश्त का सत्यानाश हो। देवी सब ये सिगरेट की वजह से हुआ है। देवी ये लो। देवी अरे सिगरेट मत फेंको। क्यों सिगरेट फेंक रही हो देवी? जाओ यहाँ से। देवी मैंने कहा जाओ यहाँ से। एक बार मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना जाओ। देवी जाओ यहाँ से। रुको ये अंगूठी भी लेते जाओ। रुको छोड़ो मुझे। पापा कुछ मत करना। पापा नहीं रुके। पापा रुके ना। मैंने सराफत के दिखाई इसने तो हद ही पार कर दी। पापा जी देवी सॉरी, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हुआ है। देवी देवी प्लीज प्लीज मैं तुमसे वादा करता हूँ अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं सिगरेट छोड़ने की भी कोशिश करूंगा। इतना सब होने के बाद कोशिश करोगे? हाँ नहीं मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। देवी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। देवी जब तक तुम ये सिगरेट पीना नहीं छोड़ देते मैं तुम्हें नहीं अपना सकती हूँ। जाओ। कौन है? हाँ मैं ही हूँ, क्या दिक्कत है? अरे कुछ नहीं। अच्छे मोड पर है क्या? ऐसा आगे कंटिन्यू कर पाएगी? भाई लोग चखना बचा के रखना, नहीं तो भाई साहब आए सारा चट कर जाएंगे। दे देना यार उसे। क्या होगा? अबे मैं कौन सा सारा चट करने वाला था? और तुम लोग तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे सारे पैक खत्म कर दिए। भाई अगर तू एक पैक भी बोलेगा ना तो हम तुझे 3 पैक पिलाएंगे, लेकिन चखने का पैकेट 1 है और हम लोग 5 है। 5? हाँ। कौन है? हम लोग 3 हो गए। हाँ। अपना सफर और हमारे अंकल। अच्छा अब वो भी आ रहे हैं? ये सब लाने के लिए हमने पैसे तो उन्हीं से लिए हैं ना। बाय द वे अच्छा है कि तेरे घर में इस तरह का कोई आदमी है। आई मीन तेरे अंकल मतलब हमारे अंकल। वैसे तूने पीना शुरू क्यों नहीं किया? हाँ बता। एक तो पहले मैं सिगरेट पीना नहीं छोड़ पा रहा और फिर ये पीना। अब एक बार ट्राई तो कर सकता है ना। पागल कहीं का। ऐसा नहीं है कि मैं पी नहीं सकता, लेकिन मैं पीना नहीं चाहता। क्या कहा भाई? मैंने ट्राई किया यार, लेकिन अच्छा नहीं लगा। तो फिर ठीक है। अरे भाई ये देखो तिबंडी। क्या तिबंडी? हाँ। लेकिन हाँ ना। बस एक मिनट यार देखा ना। अच्छा ये बता
तेरा फेसबुक पासवर्ड देवी को पता है क्या? क्यों बे? हाँ, उसने तेरा स्टेटस चेंज करके तुझे सिंगल कर दिया है। हाँ सच में? हाँ देख लेना। सच में? काम से बेटा ये तो क्या बात कर रहे सच में फेसबुक पे पता चल जाएगा। तेल ही खत्म हो गया, क्या कर सकते हैं अब, इस गाड़ी को ढकेल के ले जाना पड़ेगा। हेलो, मेरा फोन आने की उम्मीद नहीं करी थी ना? उम्मीद थी लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये उम्मीद नहीं थी। बताओ क्या बात है? अरे क्या बात है क्या बताऊं, मेरा स्टेटस चेंज क्यों किया तुमने बताओ? ओ, तो तुम्हारी परेशानी स्टेटस है और तुम्हारी? अगर तुम्हारी परेशानी यही है तो देवी एक मिनट, मैंने तुम्हारे स्टेटस के साथ तुम्हारा पासवर्ड भी बदल दिया है। एक बात कहूँ, आई हेट यू। तुम ना तो हेलो हेलो दूसरा क्या छूट गया है? क्या इस तरह का मैच भी छूट जाएगा? 100 रन में से 10 रन बाकी है, क्या ये टीम जीत जाएगी? अरे क्या बात है, इसने तो एक साथ 54 सिगरेट पी। ओ अरे इसका स्टाइल तो देख। हेलो सुनो, वो आई हेट यू में वाई कैपिटल है, ठीक है ना? क्या कैपिटल? हेलो हेलो यार सही। हाँ यार ना, हाँ देखना वो क्या कर रहा है। कितनी सिगरेट एक साथ पी उसने? मुंह पे बारा क्यों बचे आप? हेलो, अरे नहीं नहीं सर जी, आज कहीं मत जाना हो, मुझे कहीं और जाना है। ये पांच वाले ठीक है सेठ जी, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे अंकल एक जूस आपको ले। 16 पैकेट 16 पैकेट इतनी ज्यादा क्यों? जरा फोन देना, लिबाश को फोन करता हूँ। लिबाश आ सफर भाई। अरे सिगरेट कितनी चाहिए? ये लो 16 पैकेट ले आओ। 16 पैकेट इतनी ज्यादा क्यों? आखिर चल क्या रहा है? अरे यार तू ले आना, क्यों बेकार की बातें कर रहा है? ठीक है तू वेट कर, मैं लेकर आता हूँ। ओके थैंक यू। 16 पैकेट चाहिए, लगभग 2000 लगेंगे। हाँ ये आपके भतीजे के लिए हैं, आपके पास कैश है? नहीं है, मैंने सारे खर्च कर दिए। ओह तो फिर एक ही पैकेट खरीद लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। दादा सिगरेट है ना? एक पैकेट क्या? हाँ भैया 16 पैकेट सिगरेट क्या? ये लो जूस का पैसा, आप इससे ले लेना। हाँ हैं? थैंक यू। सिगरेट ले लूं? क्या पता दादा सिगरेट। क्या हुआ उसको? किसे पता क्या हुआ? ए, मैं आ गया। आ गया। हेलो, ले लो तुम्हारी सिगरेट, चाय जितनी पी लो, ग्लास निकालो ग्लास। चलो चलो पीते हैं। ग्लास दो। सोडा डाले, विस्की डाले, सिगरेट पिए। चखने में क्या है? बहुत भुक्कड़ आदमी है रे तू, चखना खा गया। चल बे। तो फिर तुम अपनी दुकान का उद्घाटन करने जा रहे हो? दुकान? हाँ ये स्नैक्स है क्या? नहीं। क्या? मरने तक पीता रहूंगा। ये एक फायदे वाला आइडिया लगता है बिल्कुल। और स्नैक्स है क्या? जल्दी जल्दी चीयर्स करो। और आप लोगों को बताया नहीं, हमें एक पागल ड्राइवर मिला था। कौन था पागल? अरे स्नैक्स लाओ ना, जरा मुझे बताना। अरे वही तो बता रहा हूँ, अपने MLA है ना, उनका ड्राइवर संजू भाई, वही। सिगरेट दो, सिगरेट देना। ये हमें बात नहीं करने देंगे। ए भाई इधर है सिगरेट। सिगरेट, सिगरेट के बारे में ही बोल रहा था। ये सारी सिगरेट संजू भाई ने स्पॉन्सर की हैं। इसके लिए उसने अपनी चेन और अंगूठी दोनों उतार कर मेरे हाथ में रख दी। इसे खोल के दे जरा, खोल के दे। ये आदमी ना, एक बार मेरा फ्रेंड जयराम बता रहा था कि वो खड़े खड़े सो रहा था। ये तो कुछ नहीं यार, वो MLA के घर में काम करने के बाद पागल हो गया है। अरे भाई सुन ना भाई। अरे यार तुम लोग क्या बातें किए जा रहे हो? MLA की माँ का मामला। हाँ क्या बोल रहे? अरे सुनो तो समझ में आएगा। बॉयज क्या हुआ? क्या हुआ? रेडी? हाँ
बहुत बढ़िया। क्या ये पागल हो गया है? मिनीश सिगरेट पीने का रिकॉर्ड बनाएगा क्या? अब उस फॉरेनर का नाम हट जाएगा और एक साथ एक बार में सबसे ज्यादा सिगरेट पीने का रिकॉर्ड अब पुलिनाड के बिनेश दामोदर के नाम पे आ जाएगा, देख लेना। चल चल मैं भी देखता हूँ। चल आ जा और सिगरेट जलाना। मैं जलाऊं? अरे वो पैसा दिल्ली तक भी पहुंचाना पड़ेगा। वैसे भी पैसे के मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, इसलिए ये सारी की सारी डील तुम करोगी विशाखा। और हमें इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाना हाँ। है। अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें ही सब कुछ करना अरे होगा। क्या बालन, ऐसी बातें मत करो तुम। अरे मुझे इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला है विशाखा। है? ओ, ए, क्या कर रहा है? मरवाएगा क्या? ये तो सब माया है, ऊपर वाला सब जानता है। वक्त आ चुका है खेल खत्म करने का। वन सेकंड। कानून के मुताबिक किसी से कहना नहीं चाहिए। क्या? मैंने बहुत गलत काम किया है। सच में सेठ जी बहुत गलत। ये संजू बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम भी सुन लो। तुम बहुत अच्छे आदमी हो सेठ। बालन ये तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है। ओ। अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो मेरे लिए एक खूबसूरत दुनिया इंतजार कर रही है। बालन अब तो ये किसी और ही दुनिया में जाने की बातें कर रहा है, मतलब शायद किसी और लोक में। मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरा परिवार है। ये अपने परिवार को बहुत मानता है, इसके मम्मी पापा दादा दादी या पूरे परिवार में जितने भी लोग होंगे सबको सबसे ज्यादा मानता है। वाह, और क्या? मैं चला भी जाऊँ तो वो लोग खुश रहने चाहिए सेठ जी। अब ये कह रहा है कि अगर ये वहाँ जाएगा तो ही वो लोग खुशी से जी पाएंगे। अरे तू क्यों जाएगा? तेरे परिवार को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। डर मत, हिम्मत रख, वो मेरी फैमिली को मार देगा। अब ये कह रहा है कोई इसके परिवार को मारेगा। अबे क्या कर, ये सबको बताना चाहिए। अभी तो वीडियो तो बना ही रहा है ना। अरे अरे कौन मारने वाला है तेरे परिवार को बताना। सेठ जी आपको मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। वो मारेगा। कौन मारेगा? अब बालन तुम्हें इसके साथ नहीं आना चाहिए था, ये ऐसा क्यों कह रहा है? अबे ये बता, अगर हम इसे फेसबुक पे डालेंगे तो गिनीज बुक वाले हमें बुलाएंगे क्या? हा? अरे नहीं भाई, हमें ये सब प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। तो फिर ऐसा क्या किया जाए? कौन? सेठ जी आपको भी मारेगा। अरे वो मार देगा। अरे, कौन किसे मारने वाला है ये बताना। ब्लू व्हेल टास्क 50। ब्लू व्हेल का टास्क 50? MLA ब्लू व्हेल। हेलो बालन। अरे बाप रे। अरे मेरा रिकॉर्ड। MLA की गाड़ी। हेलो, एक्सीडेंट हो गया? हेलो, भाई। अरे सुनो बनेश, अब क्या करोगे? लगता है MLA साहब को बहुत ज्यादा चोट लगी है, बच पाएंगे या नहीं कुछ पता नहीं। तो अब क्या किया जाए? मिनीश तुम्हारी एज क्या है? 27 साल। ये एक्सीडेंट है और जो कि हुआ 27 साल पहले। वो इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से रोड ब्लॉक है। हाँ। क्या वो तिवंडी भी उनके साथ है? हाँ। तो पक्का ये गाड़ी रोककर कहीं पे सिगरेट पी रहे होंगे। अरे अरे अंकल गाड़ी के अंदर स्मोक मत कीजिए। मत करिए, मत करिए अंकल। अंकल जी, अंकल क्या कर रहे हैं आप ये? अरे अंकल क्या करो, मत करो ऐसा, क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मैंने पहले भी ऐसा किया है। अरे पागल है क्या? मत करिए अंकल। अरे क्या कर रहे हैं आप ये? अरे ऐसा मत करिए, मर जाएंगे। अरे वो मर जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे यार रोको ना इन्हें। जल्दी से स्टेशन लाओ। यहाँ पर कोई मर रहा है और तुझे सिगरेट पीने की पड़ी है? बेवकूफ कहीं का। अरे MLA साहब का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ चल चल जल्दी करो आराम से।
ये पेशेंट की बिलोंगिंग्स हैं। सिस्टर, सर की कंडीशन कैसी है? डॉक्टर बताएंगे। तब तो पक्का वो मर गया लगता है। शुभ शुभ बोलिए चाचा जी। डॉक्टर साहब आ गए। एमएलए के साथ कौन आया? सर वो कैसे हैं अब? संजू को तो हम बचा सकते हैं कैसे भी करके, लेकिन सर को अभी वेंटिलेटर में शिफ्ट कर दिया गया है। अब भगवान का ही सहारा है, उनका शरीर काम ही नहीं कर रहा है। उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर देना। सर हमें कितना वेट करना होगा? वो वेंटिलेटर में है, देखते हैं कितना वक्त लगेगा। जीजा जी, क्या उसका कोई स्कोप है? किसका? मिराकल। और अपना मुंह बंद रख, सुन, वहां जाकर पूछ। जा डॉक्टर। अब कोई चमत्कार की भी उम्मीद मत रखो आप लोग। मतलब कोई उम्मीद नहीं। जिला पंचायत के मेंबर को भी सूचित करना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन है तो हम जो प्रदर्शन करने वाले थे, क्या उसे कैंसिल कर दे? 3, 4, 5, 6 इतने सारे पैसे। हमारे खाते में 10 लाख रुपए पहुंच गए हैं। वो प्रदर्शन हमें कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। हम इसे और भी ज्यादा जोश के साथ करेंगे। इसे हमें जल्द से जल्द शुरू करना होगा मधु जी। बालन सर की आखिरी बात भी यही थी। डॉक्टर से कहना है कि कुछ दिनों तक वेंटिलेटर पे ही रखे होंगे। बराबर। तो फिर यहाँ रात में सभी को रुकने का कोई मतलब नहीं है। हाँ सही कहा, दो लोग काफी है। मैडम आप जा सकती हो। है ना? मैं यहाँ रुकने को तैयार हूँ। तो चलो फिर। डॉक्टर कुछ बताएगा इसलिए यहीं रहना। चलो हम चलते हैं। चलो हम लोग निकलते हैं। कोई जरूरत होगी तो फोन करना। पढ़ाया फोन करना। भाई तू यहीं पे है ना, तो फिर कल मिलते हैं। चल। अरे बिनेश अंदर आजा। अरे क्या सोच रहा है? आना। हेलो। सुन, तेरे सिगरेट की वजह से तूने हमारे नाक में दम कर दिया है। इस बार तो तूने हद ही कर दी। अरे कोई एम्बुलेंस में सिगरेट पीता है क्या? तेरे दिमाग में भेजा है या भूसा? मैं अभी स्मोकिंग से पक गया। क्या कहा? ये अचानक तुझे क्या हो गया बता? यहाँ की क्या सिचुएशन है? एमएलए का क्या सीन है? सीन कुछ नहीं है, कुछ दिन के बाद यही बात होगी कि वो इस दुनिया में नहीं है। मामला खत्म। मामला खत्म? तो फिर इतने दिन वेट करने का क्या फायदा? अच्छा सुन, वैसे तो तुझे नहीं बताना चाहिए, मगर मैं तुझे बता रहा हूँ। अगले महीने हम लोगों ने मिलकर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, इसीलिए उनके मरने की खबर उसके बाद बताई जाएगी। अरे पॉलिटिक्स है। मुझे आप बच्चा मत समझो। अच्छा, मैं सब समझता हूँ। अगर इनके मरने की खबर फैल गई तो वो प्रदर्शन कैंसिल हो जाएगा और आप लोगों के हाथ से एक अच्छा सा मौका निकल जाएगा। मुझे लगता है तेरे अंदर भी एक पॉलिटिशियन है। जब मैं एमएलए से मंत्री बन जाऊंगा ना, तो तुझे अपने स्टाफ में जरूर रखूंगा। अच्छा वैसे अब इलेक्शन तो होंगे ना? हाँ बिल्कुल। तो उम्मीदवार कौन होगा? कौन 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 है? आप होंगे? ओह मतलब आप मिस्टर विजय जी बनने वाले हैं आगामी उम्मीदवार। स्वर्गीय एमएलए की वजह से सेंटीमेंट में आकर अपने आप आपको लोगों के वोट पड़ेंगे और आप इलेक्शन में जीत जाएंगे। और इतना ही नहीं, मैंने अपने शासन काल को लेकर बहुत आगे की सोच रखी है। ओ अच्छा ये भी। सुन, मेरा प्लान सक्सेस होता है तो तेरा जीजा सरकारी गाड़ी में घूमेगा। लेकिन मुझे इस पर इतना यकीन नहीं है। आपके दल में आपके विरोधी भी तो होंगे ना? अरे ये तो होता ही है ना, इन सब की चिंता मत कर, सब सेट कर दिया है। लेकिन एक विरोधी हो सकता है। कौन है? तेरे भूतपूर्व ससुर जी। क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों लटक गया? अगर हम दोनों लड़ते हैं तो तू मेरी साइड होगा ना, बता? सच कहूं तो मैं देवी को अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है? लेकिन जब मेरी और उसकी शादी की बात आई तो आपने मेरा बहुत साथ दिया था, इसलिए इस काम में बिनिश हमेशा आपके साथ है। सच में? अब मैंने कह दिया तो कह दिया।
हाँ सफर बता। खबर पक्की है ना? 100%। अब देखना मेरे बगैर उसकी मीटिंग कैसे होती है। आखिर अंदर चल क्या रहा है? अंदर देखते हैं। आ जा रहे क्या सेक्रेटरी? हमारे लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और वो भी इस वक्त। देखो इसे तुम एक षड्यंत्र बोलकर हम पर आरोप मत लगाओ, समझ गए? तो फिर आप इसे क्या कहेंगी बताइए? ए सुन, देख, ए तू शांत बैठ। मैडम आप कुछ बोलने वाली थी। अब अरे हम तो बस घर जा रहे थे, यहाँ तो अभी अभी आए। अरे वहाँ बालन के साथ कौन अरे है? वहाँ पे उनका ड्राइवर है, वो छोड़ो, आप मुद्दे की बात करो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ये कह रही थी कि हमारी पार्टी के सबसे सीनियर सदस्य बहुत नाजुक स्थिति में हैं, तो ये बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना? हम तो बस नए उम्मीदवार को उसकी अनुपस्थिति में चुनना चाहते थे और कुछ नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? तो अपने उम्मीदवार चुन लिया? अरे विजय सबके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम आया। किसका नाम? इम्बिचुकोया। पूरी बात तो बताओ। अरे वो और कोई नहीं, अपने मधु भाई। अरे मधु भाई को कैसे चुन लिया? ऐसा कैसे होगा? देखो वो आ भी गए। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम क्यों आए हो? मैं अपनी बेटी को घर छोड़कर वापस हॉस्पिटल जा रहा था, यहाँ षड्यंत्र क्या चल रहा है तुम लोगों का? इसे एक षड्यंत्र कहकर हम लोगों पर आरोप मत लगाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। वो मेरा साला है। हाँ तो? हाँ तो मतलब? अरे मधु भाई छोड़ो ना सब, आप इधर आओ, एक खुशखबरी है, ये बताएंगी। क्या? अगर आगामी इलेक्शन होगा तो मधु भाई हमारी पार्टी का फैसला ये है कि तुम नए उम्मीदवार बनोगे। अरे एमएलए साहब हॉस्पिटल में हैं, ये सब चर्चा करना जरूरी है क्या? ये अच्छा समय नहीं है। मधु भाई से हमें यही उम्मीद थी। मानवीय विकास के लिए होने वाला प्रदर्शन जिसे हमने तय किया था उसके शुरू हो जाने के बाद अब नए उम्मीदवार का नाम घोषित होगा। अच्छा, और किसी का नाम नहीं लिया गया? ये देखो क्या बात कर रहे हैं मधु भाई। अरे बाप रे, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं बताओ? भारतीय सोशल कांग्रेस लीग पार्टी के सक्रिय सदस्य और मेरे जीजा जी श्री विजित जी को भी उम्मीदवार के लिए चुना जाना चाहिए। सबको अपनी अपनी मर्जी से खड़ा होने का हक है कि नहीं? हाँ मैं समर्थन करता हूँ। तुम तो हमारी पार्टी के सदस्य भी नहीं हो और पार्टी के ऑफिस में कोई सिगरेट नहीं पी सकता। चलो बाहर जाओ। देखो ऐसा है कि सब कुछ पार्टी के फैसले के मुताबिक ही होगा। हाँ वैसे भी विजित ने इसके लिए कभी आग्रह नहीं किया। हाँ। ऐसा किसने कहा? क्या मधु भाई, जो तिवंडी कह रहा है वो विजित जी का भी फैसला है। और रही बात सिगरेट की, ए चल चल उसे फेंक दे। अरे फेंकना यार, ये हो ही नहीं सकता। अब बोलिए। क्या बोलूं? देखो सुनो सुनो, मधु भाई हमारे उम्मीदवार रहेंगे और सब कुछ पार्टी के फैसले के मुताबिक ही होगा, समझे? तू बस देखता जा, ऐसा घंटा नहीं होने वाला, ऊपर वाले से पहुंच लानी पड़ेगी। ये पार्टी ऑफिस है, ऐसे बातें मत कर, जरा तहजीब से बात कर। ठीक है तहजीब से बात करता हूँ। इलेक्शन में खड़े होने वाले उम्मीदवार को युवाओं का समर्थन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और यहाँ सब में से सबसे अच्छा ऐसा उम्मीदवार कौन है? अगर हमारी पार्टी के खिलाफ कोई संघर्ष होता है तो फिर भी ना पार्टी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा रक्षक होगा जो ऐसे हालातों का सूझबूझ से सामना करेगा। और ऐसा उम्मीदवार विजय जीजा जी के अलावा और कौन हो सकता है? अरे ये क्या, देखिए तो इस रक्षक को। आप ये कैसे भूल सकती है मैडम? इस वजह से देवी के पापा के बदले इन्हीं को उम्मीदवार बनाना चाहिए। देवी के पापा नहीं, मधु भाई। हाँ वही, इनको उम्मीदवार ना बनाने के और भी कई कारण हैं। क्या कारण है? आम जनता के द्वारा चुकाया हुआ टैक्स का पैसा बार बार इलेक्शन के नाम पर बर्बाद मत करो और इनको उम्मीदवार बना दो। क्या कह रहा है, बार बार इलेक्शन? मैं समझा नहीं। अरे बात सीधी है, अगर मधु भाई हमारे उम्मीदवार होंगे तो हमें एक और इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा। और अगर इनको बनाया जाएगा ना तो कम से कम 10 साल तक नो प्रॉब्लम, कोई और नहीं बनेगा। बस 10 साल? खुद को नसीब वाला समझिए। पहले तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ये पुल्लीनाथ में ये विजित बहुत फेमस है? हाँ बोलो। तुम क्या सोच रहे हो, दामोदर की लड़की से शादी करके ये यहाँ पर बसेरा बना लेगा? मैं सब समझता हूँ, समझे? देखो मधु भाई, घर की बातों को बीच में मत लाओ। अरे भाई मुझे क्या इसमें मजा आ रहा है, इसने ऐसी बात की तो मैंने बोल दी है बस। देखो अतीत की बात तुमको भूलनी नहीं चाहिए, जब तुम मेरे सहायक थे और बाद में पार्टी में अच्छा पद पाने के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था, फिर भी इस मधु ने तुम्हारे सामने कभी किसी बात का जिक्र नहीं किया और ना ही कभी तुमसे सहायता। ठीक है ठीक है, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, ठीक है तुम ही उम्मीदवार बनोगे। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम पीछे हट जाओ, वो क्या है कि मुझे किसी पार्टी या पद पे दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी तरह, जानते हो मुझे किसमें? प्रतिष्ठा में। तो फिर ठीक है, टॉस करते हैं। अरे टॉस? अबे टॉस करने के लिए कह रहे हो, क्रिकेट हो रहा है क्या?
क्या है ये विजीत, टॉस करने को कह रहा है, क्या हुआ विनीश? इसे घर लेकर जाओ। टॉस कह रहा है ये और इसका टॉस। सुनो तुम्हें उम्मीदवार बनाने में तुम्हारा साला ज्यादा ही उतावला हो रहा है ना, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उससे ये कहना होगा कि आज से और अभी से मानवीय प्रदर्शन खत्म होने तक सिगरेट छोड़ना होगा। और अगर उसने तुम्हारी बात मान ली तो अगले इलेक्शन में तुम हमारी पार्टी के उम्मीदवार बन जाओगे, नहीं तो हमारी पार्टी जो भी फैसला लेगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है ना? अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। टॉस करते हैं। सेक्रेटरी विजीत, टॉस करने के लिए कह रहे हो? कोई पार्टी का गेम चल रहा है क्या? इसलिए अपने साले साहब से कहो कि स्मोकिंग छोड़ दे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। क्या है ना, ये बिनिश जो है वो सिगरेट पीता है, ना कि सिगरेट बिनिश को पीती है। अभी इस वक्त से मानवीय प्रदर्शन तक ये बिनिश दामोदर सिगरेट नहीं पिएगा। टेंशन मत लो जीजाजी, जैसा आपने कहा सरकारी गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी रहेगी। अरे यार, बिनिश चोरी छुपे भी तो सिगरेट पी सकता है ना, तब तुम लोग क्या करोगे बताओ जरा, क्या कर लोगे तुम लोग? इसलिए तो मधु भाई ने एक जासूस रखा है, वो भी पूरे 21 दिन के लिए फुल टाइम तिवंडी के साथ ही रहेगा। जासूस? हाँ। कौन है वो? अरे बता दे। हाँ? सुजीत। हाँ। गोलकीपर चेंज। नो गोलकीपर चेंज, मैं खेलने जा रहा हूँ। अच्छा है, नो गोलकीपर चेंज। आप क्या कहते हैं, वो सिगरेट छोड़ पाएगा? छोड़ दिया तो हेल्थ अच्छी रहेगी उसकी। क्या नाम? बिनिश दामोदर। जब सिगरेट पीने का मन करे तो काली मिर्च चख लेना। हे श्री कृष्णा, उसे उसकी बुरी आदतों को छोड़ने की शक्ति देना, शक्ति देना प्रभु उसे उसकी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए। मम्मी। हाँ। काली मिर्च कहाँ पर है? काली मिर्च। पीले, मैं सब रिकॉर्ड कर लूंगा। ये क्या है? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है वहाँ? अरे क्या पता, चल उड़ा उड़ा। अरे कुछ नहीं हुआ तुझे, कुछ नहीं होगा। अरे मेरी कमर टूट गई। अरे अच्छा हुआ काटा नहीं उसने, चल। सुन, तुझे स्मोकिंग कंट्रोल नहीं हो रही है ना, उदास मत हो। एक आइडिया है। वैसे जिया जी, हमें पता नहीं था कि आपका दिल इतना बड़ा है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? क्या यार, कुछ भी। अरे सुहाना, तू बोलना बंद कर और नाव चला यार। क्या हम थोड़ा यहाँ वेट नहीं कर सकते? उसने इतने दिन सिगरेट नहीं पी, ये बहुत बड़ी बात है, उसको सच में मानना पड़ेगा। अच्छा मधु भाई, क्या होगा अगर वो गलती से उम्मीदवार बन गया तो? क्या है कि शर्त लगाने की वजह से कुछ दिनों तक ही सिगरेट छोड़ सकता है वो, लेकिन देखना कल से ही उसको तलब लगने लगेगी सिगरेट की। बहुत सही बोले आप। हाँ देख लेना,
अब ये बात तुम सबको मत बताना। मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगा, इनको पता है मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता। मधु भाई, तिवंडी कहीं नजर नहीं आ रहा। देवी, देवी अपने ऑफिस में है, पक्की खबर है। ये क्या कह रहे हो तुम, तुम्हें सब कुछ संभालना चाहिए था ना। अरे ये तब हुआ जब हम लिबास को लेकर हॉस्पिटल गए थे। विजित कहाँ है? हाँ ठीक है भाई, ठीक है। वो भी नहीं दिख रहा है। हाँ मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। इंबाची कोया कह रहा है कि विजित और तिवंडी लेवल क्रॉस के पास रुके हुए। लेवल क्रॉस के पास होने का मतलब है मामला कुछ और ही। क्या? मेरे ख्याल से वो टापू पे जा रहे हैं। एडिसन टापू? मैं अभी तक उस टापू पर गया नहीं। अरे बिनेश, तो इस टापू पर जब चाहे जा सकता है, और तुझे जब लगे वापस आना है तू आ भी सकता है। अरे मेरे प्यारे जीजा जी, अगर मुझे वहाँ सिगरेट पीने का मौका मिलेगा तो मैं हमारे गांव वापस ही क्यों आऊंगा, ये बताओ ना। हाँ, ये सही कहा। और जब वो लोग उम्मीदवार के तौर पर आपका नाम अनाउंस करेंगे तभी ये बिनेश दामोदर पुलिनाड में लैंड होगा। हाँ। और यही मेरा फैसला है। अच्छा है। वैसे एक बात बता, क्या तुझे तैरना आता है? नहीं नहीं, लेकिन क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा जीजा जी, वैसे तिवंडी का वहाँ खाने और रहने का क्या इंतजाम है? अरे यार, उस टापू पर बस एक ही घर है, मगर वहाँ 15 लोग आराम से रह सकते हैं। लेकिन तू फाइव स्टार होटल की उम्मीद कर रहा है तो नहीं हो सकता। देख देख, वहाँ क्या है कि बॉब मार्ली और राज पुनीत वहाँ हमेशा रहते हैं, वैसे चिंता करने की बात नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन खाने का क्या? अरे तू फालतू बातें करना बंद कर, समझा? अरे आप ये कहानियां सुनाना बंद करो और मुझे सिगरेट के बारे में बताओ ना। अरे यार, मैंने वहाँ 3 हफ्ते के लिए 150 पैकेट सिगरेट रखवा दी है, अगर तुझे और भी चाहिए होगी तो मैं भिजवा दूंगा, ठीक है? पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? वो देख, सामने है, देख तेरा स्वर्ग एडिसन टापू। बच गया। क्या हुआ आपको, प्रेशर आया है क्या? क्यों और नहीं तो क्या, उसे उसका बैग भी नहीं दिया और फटाफट वहां से भाग आ रहे हैं। मैंने उसे टाटा बाय बाय तक नहीं किया। तो तू ऐसा कर, उसे जाके गले मिल ले, मैं यहीं रुकता हूँ। जीजा जी, वैसे जीजा जी डींग हाँकने में ना आपने सफर को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या कह रहे थे आप, फुल सेटअप, फाइव स्टार होटल, खाने के लिए खाना, हा? अच्छा बेवकूफ बनाया आपने। तुझे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जीजा जी वो देखिए, वो मधु अंकल आ रहे हैं। अरे मधु, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करें? क्या करेगा, आने दे उसे। अरे अगर उन्हें विनीश का पता चल गया तो क्या होगा? अरे उसके पास जाएगा तो क्या परेशानी है, स्मोक करते नहीं देखना चाहिए ना। अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, विनीश वहाँ पर स्मोक करने ही तो गया है ना। स्मोक करने के लिए सिगरेट चाहिए ना। लेकिन वो तो वहाँ पर। मधु भाई, वो तो यहीं आ रहे हैं। यह विचित के साथ कौन है, तिवंडी नहीं है तो फिर कौन है? स्वाना है, स्वाना है, पक्का स्वाना है। अरे स्वाना है, जासूस है रे तू, मूर्ख कहीं का। तो वो अपने साले को उस टापू में छोड़ देखते हैं। जो इसने किया ये ठीक नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर उसने सिगरेट पी ली तो क्या होगा। मैं अभी यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, आए तो बात कर लेना आप। वैसे सिगरेट छोड़ने को उसे तुमने ही कहा था। ठीक है, सुन सोना, एकदम पास लेके जाना, ठीक है? अरे कैसे हो सब लोग, सेक्रेटरी सब ठीक है ना? वो क्या है विजित, देख भागना मत, तुझसे ही बात कर रहा हूँ। तू नहीं तो विजित, एक मिनट, मधु भाई ने तुझे एक काम दिया था, तूने वो भी ठीक से नहीं किया। तेरा ध्यान कहाँ था जब वो तिवंडी उस टापू पे गया, कहाँ था तेरा ध्यान बता? मैं वो लिबास को लेकर डॉक्टर के पास गया था। लिबास की ऐसी की तैसी, तू एक काम ठीक से नहीं कर सकता। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे उसके बारे में पता चल गया, नहीं तो मधु भाई की जबान का क्या होता, बता बोल, चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। विजित कह रहे बाहर आ रहा हूँ। सेक्रेटरी जी, आप कुछ कहने वाली थी। मैं वो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अरे विजित, हाँ बोलो। मुझे तुमसे बस एक ही बात कहनी है, चाहे तुम उसे कहीं भी छुपा लो, मेरी बात ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ। आज से 5 दिन के अंदर तुम्हारा वो तिवंडी कैसे भी करके सिगरेट पिएगा ही। तथास्तु। क्या? तथास्तु। ठीक है, इधर आ। क्या? दूसरे गांव से लड़कों को बुला के ले आ। ओके। हर समय यहाँ पर नजर रखनी होगी, खासकर रात को, ठीक है? ओके। इस पे तो खास नजर रखनी चाहिए। क्या ये? सुन, गांव का कोई भी आदमी वहां पर सिगरेट लेके नहीं जाना चाहिए, समझा?
ओके मधु भाई, एक जरूरी काम याद आ गया, जाके आओ। जरूर जरूर। ए, क्या हुआ? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुझे तो एक और मारना चाहिए, मारो। अरे नहीं, जीजा जी आ रहा हूँ। आइए आइए आइए। अरे यहाँ एक भी सिगरेट नहीं है। सिगरेट मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वो सिगरेट कह रहा है। सिगरेट? अच्छा सिगरेट कह रहा है। मैं लाता हूँ। यहाँ पर आओ। आता हूँ आता हूँ। कभी? पांच दिन के बाद। अरे लेकिन पांच दिन के बाद पक्का आऊंगा। यहाँ सिगरेट नहीं है, जल्दी आइए। मेरी बात सुनिए। अरे यहाँ पर आइए। मैं भी कूदूंगा। अरे रुक जाओ, यहाँ पर आओ। कूदेगा नहीं तो मार देगा। भिवंडी से राजा नहीं गया और वो पानी में कूदी। कमाल है। जिंदगी देखो कोई सब आपके पास एक सिगरेट है? नहीं। वो गांजा में मिक्स करके पीने के लिए जो तंबाकू होता है वो तो होगा ना, तो वो तो दे दो कम से कम। किसने कहा कि हम लोग गांजा पीते हैं? अब अरे यहाँ का माहौल, तुम्हारा ये गेटअप और तुम्हारे गाने से तो यही लगता है। वाओ, मारले वाली टी शर्ट और ऐसे लुक वाले गंजड़ी होते है क्या? ऐसा है, दुनिया में ऐसे भी लोग है जो प्यार और सेक्स में फर्क नहीं जानते, लेकिन तुम तो हाईली एजुकेटेड हो, फिर भी तुम गांव के लोगों की जैसी सोच क्यों रखते हो? इंडिया के ज्यादातर पब्स और बार में और बड़ी बड़ी पार्टियों में किसके गाने चलते पता तुम्हें? ए आर रहमान। हाँ, तो क्या वो शराब पीकर गाना बनाता है? संगीत ही एकमात्र उनका नशा है। अरे वेशभूषा और चाल चलन से कुछ नहीं होता, समझा क्या? अरे भाई, मैंने तो बस आप लोगों से सिगरेट पूछी थी, तो मुझे माफ करना। तुम्हारी लाइफ में
सिगरेट के अलावा और कुछ भी है क्या? नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की तरह गिटार लेकर रोड पर बजाऊंगा ना। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन को अब मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, क्योंकि डिट्टो तुम्हारे जैसा मेरा भी एक दोस्त था। तुम्हारे पुलिनट वाले तुम्हें तीवंडी बुलाते हैं और उधर के लोग उसे बुलेट ट्रेन बुलाते थे। तुम सिगरेट पीते होगे, लेकिन वो खाता था। लेकिन अंत में जब वो कोड़ीकोड मेडिकल कॉलेज के कैंसर वार्ड में अपने मौत के करीब था, तब परिवार वालों ने और रिश्तेदारों ने और सभी डॉक्टर ने एक ही बात कही, ये जो भी तू भुगत रहा है ना, इन सब की वजह तू खुद ही है। अरे यार, रात बहुत हो गई है और भूख भी बहुत लगी है। अरे रामेटा, क्या है? अरे क्या तुम दोनों भी उसके साथ शामिल हो क्या? चलो, चलो। लड़को आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस तिवंडी से मिलने जा रहे थे। तुझे गाना गाना आता है? क्या गाना? ये क्या है? अरे क्या, 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 ए, ए, अरे पकड़, इसे मतलब ये क्या कर रहे हो सफर? अरे ऐसा मत करना, वो सिगरेट नहीं है मानो। अरे नहीं, ऐसा मत करना। ये क्या कर रहे हो सफर? और कहाँ कहाँ रखी है बता, और कितनी सिगरेट रखी है? तो अब तू जा वहाँ। हाँ, अब मैं क्या करूँगा वहाँ जाके? तो और कहीं चला जा, नींद भी नहीं आ रही। दोबारा सफर के सामने मत आना, समझे? लिबाश, वो कुछ भी करने को तैयार है। लगता है हमारे हाथ से सब निकलता जा रहा है। लिबाश, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मेरी बात नहीं सुन रहा है क्या? देख नहीं रहे हो मैं क्या करवा रहा हूँ? इतने सीरियस टाइम में तुझे आराम करने की सूझ रही है? मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ, इलाज करवाने आया हूँ। हे भगवान, इससे अच्छा तो सांप ही काट लेता मुझे। अरे कुछ तो आइडिया बताओ तुम। तुम बस उसके पास सिगरेट पहुंचाना चाहते हो ना, तो फिर किसी और तरीके से क्यों नहीं आजमाते? मैंने सारी कोशिश करके देख ली, उन्होंने टापू तक जाने के लिए सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। तो फिर बस एक ही आइडिया है। क्या? उन्हें पीटने के लिए गुंडे भेजो। लिबाश, तुम ही अच्छी तरह जानते हो कि मैं और तुम बचे हैं जिन्होंने मार नहीं खाई। उनके टीम के सभी लोग बहुत मजबूत हैं। मजबूत होने से कुछ नहीं होता, लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, तब भी काम सफल होगा। क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो जिसके पास ये दोनों हैं? ये काम का है? वहाँ कितने लोग होंगे? यही कोई 5-6 होंगे। 18 तारीख के बाद ये काम हो सकता है, अभी लड़के कंपटीशन के लिए गए हैं। कोई जल्दी नहीं। अरे लेकिन हमें ये 19 तारीख से पहले ही करना होगा, समझ गए ना तुम? कोई बात नहीं, ये काम 19 की सुबह सुबह हो जाना चाहिए। लेकिन जितना लेट होगा उतना ही रिस्क है। तुम अपना काम करो। लिबाश, जो भी हो रहा है ना उसे होने दे, जो होगा अच्छा ही होगा। उस रात तक मेरे दोस्तों को चैन की नींद सोने दो। ये दोबारा उठेगा ना लिबाश? हे भगवान। क्या हुआ? नॉर्मल हो ना? क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे क्या नॉर्मल, क्या फर्क पड़ता है नॉर्मल होने से? आजकल कौन किसकी परवाह करता है? आज के समाज में कोई किसी को समझने की कोशिश नहीं करता, पता नहीं किस लिए। हर जगह अपनी सफाई देने के लिए, चाहे कोई उनकी इज्जत करे या ना करे। आखिर इन सब चीजों का क्या फायदा होगा? लोग सुख में भी नशा करते हैं और दुख में भी नशा करते हैं, बाद में बीमार होते ही डॉक्टर के पास जाते हैं। मिस्टर तिवंडी, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो सोते हुए भी मुस्कुराता हो और जागते हुए भी मुस्कुराता हो? कोई नहीं है ऐसा। लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं, ये सब चीजें तुम्हारे लिए बेकार है। जब तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करते हो तब तुम अपनी मंजिल के करीब होते हो। क्या आप जा रहे हैं? हाँ। चाय लाऊं क्या? नहीं। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। क्या? बेस्ट ऑफ लक कह रही हूँ।
हाँ थैंक यू वेरी मच। हाँ मैं यहीं पर हूँ। हाँ सफर, हाँ उधर बाजू में, चलेगा चलेगा। मुझे बता कितने गुंडों को तैयार किया है मधु भाई ने। अरे आप टेंशन मत लो जीजा जी, सफर की टीम यही है। जैसे कि बात तय हुई थी अपने लोग तैयार हैं। याद रखना वो सब लोग भी इंसान ही हैं। लेकिन वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो हर मामले में उनके लोगों से 100 गुना बेहतर है। तब तो अच्छा है। यहाँ से कोई भी तिवंटी तक नहीं पहुँच पाएगा, और अगर कोई गया भी तो उसे हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सफर की टीम को धोखा देना कोई आसान बात नहीं है। बहुत हुआ, काम होने के बाद यकीन होगा मुझे। चल फिर ठीक है। ठीक है अरे निवास, अच्छा सुन हाँ। कितना समय लगेगा? बस जल्दी हो जाएगा। और मधु भाई कहाँ है? वो तो आपकी बात नहीं हुई क्या? नहीं मुझे भी नहीं पता। ये ले, तुझे चाहिए। वहां देखो। सफर भाई, मधु अंकल नहीं है उनके साथ? अगर मधु अंकल उनके साथ नहीं है तो हमें सावधान रहना होगा। कहीं ये लोग प्रदर्शन में शामिल तो नहीं होने जा रहे? देखो पूरी पंचायत बैठी है वहां। ए, तुम लोग यहां संभालो, मैं जरा एक काम निपटा कराता हूं। लेखा भाई। हेलो। हेलो, क्या आप चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से बोल रही हैं? वहाँ मधु सर है। क्या चाहिए सफर? तो तुम समझ गई, हमें टापू पर जाना है। हाँ ठीक है जाओ, लेकिन प्रदर्शन के बाद जाना। पुलीनाथ के मामले में दखल अंदाजी मत करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। एक बात बताता हूँ, बिनिश टापू पर गया और उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारे पापा ने कुछ लोगों के साथ सिगरेट भेजी है, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अगर तुमको बिनिश पर इतना ही भरोसा है तो फिर तुम उन लोगों को जाने क्यों नहीं देते हो सफर? तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मधु अंकल की बेटी हो। अगर मैं उनकी बेटी नहीं भी होती या विजित जी की बेटी होती तब भी मैं ऐसा ही कहती। ये हम भी जाते हैं सफर। कि जो भी जीतेगा वो भ्रष्टाचार तो करेगा ही। ठीक है, तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैंने इनको जाने दिया और तिवंडी ने स्मोक कर दिया तो क्या होगा? क्या तुम उसे एक चांस और दोगी? नहीं। क्यों नहीं? अगर उसने एक दिन स्मोक नहीं किया तो उसके जीजा जी एमएलए बन सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बस इतना ही काफी नहीं है। बढ़िया आइया। क्या कहा? कुछ नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए मैं उन्हें यहाँ से वहाँ पर जाने दूंगा? फोन काटो और जाओ, छोड़ो। हेलो देवी, तुमने बुरा तो नहीं माना? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो उन्हें वहाँ जरूर जाने दूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि बिनिश स्मोक नहीं करेगा और तुम्हारा डिसीजन बदल जाएगा। अब मैं विजित जीजा जी को क्या बताऊंगा? जल्दी कर। अरे मधु भाई, काम करवा दे। मैडम विजित, सब काम ठीक से हुआ? ठीक है, हमें 11 बजे से शुरू करना होगा। कोई चिंता नहीं। सुनिए मैडम, अब तो ये प्रदर्शन खत्म होने का ही इंतजार है। उसके बाद मेरा ही नाम घोषित होगा ना? क्यों? अरे बाल चंद्र एमएलए साहब की मौजूदा स्थिति के बारे में हमें औरों को बताना होगा, उसके बाद ही हम नया उम्मीदवार चुन सकेंगे। वैसे भी अभी फिक्स कहाँ हुआ है? कैसी बातें कर रही है, मैं हूँ ना। अरे अरे हमें वहाँ जाना है ना। अरे आ रहा हूँ सेक्रेटरी। मधु भाई मेरे स्पीड से चलो, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? क्या बात, जरा रुको, आहिस्ता चलो। सफर बोल, अपना विनेश ठीक तो है ना? अरे तिवंडी, अरे ओ तिवंडी, बाहर आओ, आ जाओ, संडे है, थोड़ा दारू शारू हो जाए। अरे तिवंडी कैसा है रे तू, सुशीज कहाँ है? अरे अरे कहाँ था तू?
कैसा है भाई? तू ठीक है ना? क्या हुआ? चल। अरे विनीश, मैं चलता हूँ, कभी आना उधर। जा रहा है? आप भी आना? जरूर। अरे सुशीज, इतनी जल्दी क्या है यार, आ गए तो थोड़ा सा बैग लगा के राउंड राउंड खेलते हैं। हाँ है? सब लाया है क्या? हाँ। अरे विनीश बैठना यार, जा फटाफट कुछ बैठने के लिए ला। पीने देना। अरे तिवंडी, अगर तुझे सिगरेट पीनी है तो पी ले, ये लास्ट सिगरेट है, अगर खत्म हो गई तो फिर मत कहना मैंने पिलाई नहीं। ये ले पी ले। ए, तू क्या कर रहा है? देख तू हद पार कर रहा है, उसे जबरदस्ती सिगरेट क्यों पिलाना चाहता है? तुम ये सब क्या कर रहे हो? तू तो अब उसकी साइड चला गया है ना। देख लिबास, मैं कोई साइड वाइड नहीं जानता, मैं सच्चाई के साथ हूँ। विनीश, जितना बेकार काम तेरे जीजा ने किया उतना मधु भाई ने भी नहीं किया, याद रखना। अरे लिबास, मेरे जीजा जी ने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, ये सच है। लेकिन मैंने भी तो उनका सपना बर्बाद करने के लिए एक सिगरेट का लालच किया, लेकिन अब मैं बदल गया हूं, मेरा एटीट्यूड अपने आप बदल गया। मुझे नहीं पता तू ये किसके कहने पर कर रहा है, लेकिन बिना सिगरेट पीने वालों की तरफ से सिगरेट पीने वालों के लिए एक ही सवाल होता है कि तुम्हें सिगरेट पीकर क्या मिलता है। सबको पता है कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये हर जगह दिखती है। ये दुनिया की मोस्ट एडिक्टेड चीज है, जिसे छोड़ना भी उतना ही मुश्किल है, इसलिए हमें हर जगह पर सिगरेट पीने वाले आराम से दिख जाते हैं, है कि नहीं? अभी भी उसने जो सिगरेट वहां फेंकी है ना, उसे देखकर उस सिगरेट को उठाकर पीने का लालच मेरी आत्मा को झिंझोड़ रहा है। खुद पर काबू करने में तकलीफ हो रही है। तू मेरा सपोर्ट तो नहीं कर सकता, तो कम से कम विरोध तो मत कर प्लीज। क्या भाई? अरे अरे विनीश, क्या बात है भाई, तू तो बहुत दुबला हो गया। डाइट पर था ना। सही है भाई। क्या भाई, तू बहुत चुप है, इधर आ। ये भी तेरी तरह पतला हो गया है। हमारी पार्टी द्वारा गठित की जा रही मानवीय श्रृंखला प्रदर्शन को बेहतर और सफल बनाने के लिए आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अपने तिवंडी ने स्मोक किया ही नहीं? सीरियसली? सीरियसली? अच्छा हाँ, कहाँ है वो? वहाँ वहाँ। श्रृंखला को सब ठीक है ना? क्या काम? विनेश, अरे अबे मेरे दोस्त, तूने हमारी इज्जत बचा ली। बेटन बेटन, अब देखना सरकारी गाड़ी पक्की है, अभी आता हूँ। हवाई अड्डे, क्या बात है मेरे शेर। सोच रही थी कि अभी बताना। सेक्रेटरी, क
कहने के मुताबिक मेरे साले ने अपना वादा पूरा कर लिया है। तिवंडी ने अब तक स्मोक नहीं किया है। मेरा नाम पक्का है ना? पक्का ना? मुबारक हो। अरे सफर सुन, पटाखे तैयार है ना? यार कमाल कर दिया तूने, कमाल कर दिया। बार बार दोहराने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है भारतीय सोशलिस्ट कांग्रेस लीग पार्टी ये अच्छे से जानती है। लेकिन अभी भी मुझे कुछ शब्द बोलने हैं। हमारे देश की सरकार के निराशाजनक शासनकाल के चलते यहाँ के हवाई अड्डों की हालत भी निराशाजनक हो गई है, और इसकी जिम्मेदार है वो रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। लेकिन हमारी पार्टी ने देश की हर सरकारी संपत्ति को आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करके रखने की मुहिम शुरू की है, और हमें आपका समर्थन चाहिए। हम आपके साथ हैं। सभी हवाई अड्डों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए हम आज सभी साथ मिलकर प्रदर्शन शुरू करने जा रहे हैं। आज जैसी सुविधाएं विकसित देशों में उपलब्ध हैं, कल वही हमारे पुलिनाद में अवश्य होंगी। हमारी ये आवाज देश और दुनिया के कोने कोने तक जानी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इस पर प्रतिक्रिया की जाए। चलो आज से सभी एक हो जाएं। जय हिंद। अब वो भी अनाउंस कर दो। सही कहा। इस अवसर पर मैं एक खुशखबरी भी सुनाना चाहूंगी। पुलिनाद का गौरव और सबसे सम्मानित व्यक्ति, जो पिछले कुछ दिनों से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, हमारे MLA बालचंद्र सर आज फिर से हमारे बीच मौजूद हैं। BSCL पार्टी उनके वापस आने पर बहुत खुशी व्यक्त करती है, और हमारे बीच इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करती है। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का पूरे दिल के साथ हम स्वागत करते हैं। क्या अब हमारे केस में कोई मिरेकल का चांस है जीजा जी? इस साल मौका मिलना मुश्किल है। अरे रे, अंकल। हाँ मैं। हाँ हाँ आओ। क्या? सिगरेट सिगरेट। क्या बात है, मतलब अभी तक सिगरेट पी रहे हो? आप सबने खा लिया क्या खाना? अरे थोड़ा चावल और लीजिए। अच्छा, ना मम्मी, ये इतना टेस्टी कैसे बना? कुछ स्पेशल डाला गया इसमें, बता ना। तो खा तो सही, बताती हूँ। खाना अच्छे से खाना, ताकि सेहत सही बनी रहे। स्मोकिंग छोड़ दी है ना, अजीब लग रहा होगा, थोड़े दिन तक अजीब लगेगा। मम्मी, कल के कलेक्शन का सारा पैसा पुरानी ऐश ट्रे पर रखा हुआ है। तुम्हारा शौक है क्या? हट, मुझे जाने दो। बताओ ना, क्यों आई हो यहाँ पर तुम? मैं तो
ये बात तो अब मैं समझ गया था कि हजारों सिगरेटों के धुएं से भी कई ज्यादा सुंदर अपने प्यार का पहला किस होता है।